अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत ज़्यादा मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। और आज हम जाने लगे हैं फाइनली अपनी भाभी की वेडिंग शॉपिंग के लिए। वेडिंग शॉपिंग तो खैर काफ़ी टाइम से ही चल रही है, लेकिन आज हम जाएंगे बारात और वलीमा ड्रेस के लिए। और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे मार्केट में किस तरह के आजकल ब्राइडल ड्रेसेस चल रहे हैं। वैसे तो अभी भी वही सारी चीज़ें इन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना ज़्यादा मार्केट का चक्कर लगाया है ना, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और वही शॉर्ट लेंथ शर्ट्स और कुछ जो है राजस्थानी लहंगा कहते हैं शायद, वो टू टाइप्स के लहंगे मिल रहे हैं। खैर आज हम जा रहे हैं अपनी भाभी की शॉपिंग के लिए और देखते हैं कि हम उनके लिए कैसा लहंगा लेते हैं और कैसा वलीमा ड्रेस लेते हैं। ज्वेलरी भी लेनी है और आज कंप्लीट शॉपिंग करनी है, क्योंकि अब वक्त थोड़ा कम रह गया है और रमज़ान भी आने वाले हैं। आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे शॉपिंग ब्लॉग देख देख कर? क्योंकि ना अभी आप लोग देख लें, इन्जॉय कर लें, इसके बाद आपको शॉपिंग ब्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे, फिर आपको वेडिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को देखें, इन्जॉय करें। हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मैं और मेरा जा रहे भाई आएंगे हमें पिक करने के लिए। अभी हम बस निकलने लगे हैं और आगे आपको मार्केट का विजिट करवाते हैं और बाकी तमाम चीज़ें दिखाते हैं कि हम कौन सी शॉप पर गए और किस तरह के ड्रेसेस हैं, किस तरह के कलर्स हैं आजकल ब्राइड के लिए। ठीक है जी, तो चले जी आगे आपको दिखाते हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैं आ गई हूँ जी यहाँ पर अम्मी के साथ मार्केट। हमारे साथ खाला भी आई थी और हम आए थे जामा क्लॉथ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्राइड्स की ब्राइडल जो ड्रेसेस होते हैं वलीमा और रिसेप्शन डे, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। इसके अलावा पार्टी वेयर भी लड़कियों के बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं। यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ के ड्रेसेस जितने दिखने में हैवी होंगे ना, उतने ही लाइट वेट होंगे, क्योंकि ब्राइड्स को है ना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पहननी होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है। ड्रेसेस हैवी से हैवी भी हैं और लाइट भी हैं, जैसी आपकी चॉइस हो, जैसी आपकी प्राइस रेंज हो ले सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट शॉप पर अभी विजिट कर चुके हैं और अभी हमने यहाँ पर बारात डे ड्रेस देखना स्टार्ट किया है। इसको कहते हैं धागे धागे नजर आ रहे हैं काम, इसको कहते हैं नंबर वन। और दोबारा इसको गोल करो बेटा, और इसकी शेड भी बड़ी प्यारी बनी है। शेड दिखाओ, शेड दिखाओ बेटा। और कहेंगे तो अभी सिलवा के भी देखूंगा, हाथ के अंदर आपके अभी चाहिए बेटा आपको? नहीं हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो शर्ट भी है आपको, ये देखिए ये इसकी शर्ट है बेटा, ये इसके अस्तीने बनेंगे और भी डिजाइन है। शर्ट जरा ये वेटलेस काम है जो आजकल लड़कियाँ लाइक कर रही हैं ना, टाँके पे काम है, वेटलेस है, बैक पे से देखिए सब टाँका है, इसमें वेट नहीं है। और देखा इसी टाइप के इसका दुपट्टा नहीं दिखाया आपने? दुपट्टा दिखा कौन सा अच्छा लगा? वो वाला, ये रहा दुपट्टा इसका। किसी तरह के भरे हुए काम में दिखा, इसमें इतना ही आएगा, वो राजस्थानी वाले पे घेर आता है, इसमें इतना ही आएगा, सही लगता है। हाँ आम वैरायटी में निधि यासी का जो प्रोग्राम आ रहा है ना, हमारे पास मॉडल को पहना के अगर आप बोलेंगे तो हमारे पास ये सिलावा भी है। हाँ दिखा दे सिलावा, दिखा दे, एक आइडिया हो जाएगा। अभी हमने चार से पांच शॉप विज़िट कर लिया था और बारात ड्रेस फाइनली हम लोगों ने डन कर दिया था और ऑल इन वन रेड कलर पे लिया था, कोई दूसरा कलर कम्बिनेशन नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना बिल्कुल रेड कलर पे ही लेते हैं। बहुत सारे लोग ग्रीन ब्लू के साथ टचअप करते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद जो है हम सेकेंड डे का ड्रेस देखने लगे हैं, लेकिन सेकेंड डे का ड्रेस बिल्कुल भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आज से चार साल पहले, तीन साल पहले जो चीज़ें चल रही थी ग्रे के साथ ब्लू, और तकरीबन मेरे ख्याल से पाँच छः साल से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम कुछ अलग लेना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को ना यहाँ पर रिसेप्शन डे का ड्रेस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बारात ड्रेस की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और कुछ यूनिक भी हम लोगों को देखने को मिल रही थी यहाँ पर, लेकिन रिसेप्शन डे के लिए ड्रेस हमें अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे थे। और अभी जो है ब्राइड ज़्यादा ओपन शर्ट वेयर कर रही है वलीमे पे, लेकिन यहाँ बारात के लिए भी ओपन शर्ट दिखाए थे इन्होंने। क्या बोल रही आप? हाय 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 हाय, क्या चाहिए? ये ओ नो, मेरा ओ नो, लेट्स गो लेट्स गो। फिर एक फ्रंट ओपन मैक्सी शरारा है डिजाइनर का, ये सबसे टॉप की वैरायटी है हमारी दुकान, ये क्रिप्टन की शॉप की दुकान है। मेरा सामने से तो हटो, ये देखो क्लास का पीस है,
मेरा इधर आओ ना, इधर तो आओ, कपड़ों पे चढ़ जाएगी। ये सही लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर मामा के पास आओ, इधर ये लो, ये लो, ये लो। ये देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। अच्छा खैर, काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस देखने के बाद भी हमें यहाँ पर रिसेप्शन ड्रेस समझ में नहीं आया, और बस बारात का ड्रेस हमने यहाँ से लिया। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर फ्रेश जूस पिया, मेरा ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया, मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी यहाँ पर, पता नहीं क्यों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इसके बाद जो है ना, अभी हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेप्शन ड्रेस नहीं लिया था। रिसेप्शन ड्रेस के लिए हमने सोचा हम दूसरे शॉप्स पर विज़िट कर लेते हैं, क्या पता हमें कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाए। अभी जो है वो नेट और ऑर्गेन्जा जो है उस पर आए हुए हैं ड्रेसेस, पार्टी वेयर्स भी हों या ब्राइड्स के हों। तो अभी हम जो है ना दूसरे शॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी देखें जी, दो ड्रेसेस जो है इन्होंने डिस्प्ले पर किया हुआ है, और बारात ड्रेस आप देख सकते हो ओपन शर्ट के साथ है। जहाँ पर हमने बारात ड्रेस रन किया था उन्होंने भी हमें ये वाली लुक पर ड्रेस दिखाया था सामने से ओपन शर्ट बारात के लिए, लेकिन पैपलम शर्ट और बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट के साथ भी जो है वहाँ पर ड्रेसेस थे, राजस्थानी लहंगे अब इतने देखने को नहीं मिले। तो अभी हमने यहाँ पर रिसेप्शन ड्रेस देखना शुरू किया, और ये जो कलर आप देख रहे हो ना बिल्कुल लाइट सा स्काई ब्लू कलर है, और ये कलर इतना अच्छा लगता है रिसेप्शन डे पर, आजकल ब्राइड्स वेयर कर रही हैं। लेकिन फिर इसके साथ वही ब्लू दुपट्टा था, और ये हम लोगों को ना फिर ओल्ड सा लग रहा था। और अभी जो चीज़ें ट्रेंड पर है ना, वलीमा डे हो या फिर लड़कियों के लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस हो, लाइक जिस तरह से हमने भी अगर अपने ड्रेसेस बनाना है ना तो सिल्वर एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ज़्यादा इन है। और मेरा भी माइंड था कि मैं भाई की शादी के लिए कोई भी एक ड्रेस जो है ना वो सिल्वर एम्ब्रॉयडरी पर बनाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें ट्रेंड में होती ना वो फिर चीज़ें अच्छी लगती हैं। खैर हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी में भी दिखा दें, यहाँ पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी पर देखा तो ये बिल्कुल मेरा वाला ड्रेस लग रहा था जैसे मैंने अपने रिसेप्शन डे पर पहना था। तो ये फिर वही ओल्ड चीज़ें आ रही थी, और जैसी एम्ब्रॉयडरी इन ड्रेसेस पर हुई हुई थी ना, ये मेरे ड्रेसेस पर हुई हुई थी आज से 3-4 साल पहले, तो ये वाली एम्ब्रॉयडरी चल रही थी। लेकिन अब ऐसी एम्ब्रॉयडरी नहीं चल रही, अब बिल्कुल बारीक सी एम्ब्रॉयडरी चल रही है, बहुत खूबसूरत सी नफीस सी एम्ब्रॉयडरी चल रही है। तो खैर रिसेप्शन डे के लिए हमने 8 से 7 दुकानों पर विजिट किया होगा, लेकिन हमें फिर भी जो है ना रिसेप्शन डे समझ में नहीं आ रहे थे, कहीं कलर कॉम्बिनेशन समझ ना आए, कहीं एम्ब्रॉयडरी समझ ना आए। तो ब्राइडल शॉपिंग करना भी ना एक बहुत मुश्किल काम है चीज़, दो ड्रेस लेना होता है लेकिन उसको सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कि जी मेरे हिसाब से ना बारात डे ड्रेस की सिलेक्शन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि हमने बस रेड पर लेना होता, हम कहते हैं शॉपकीपर को रेड पर दिखाएं, और रेड के ना वो हज़ारों डिज़ाइन दिखा देते हैं, आपने बस सिलेक्शन करनी होती है। लेकिन मेन मसला जो होता है ना वो रिसेप्शन डे के लिए होता है, और उसमें हमें कलर चॉइस करना पड़ता है, तो हम कलर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कलर किस तरह जो है ना हम लें रिसेप्शन के लिए। अभी जो बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी चल रही ना रिसेप्शन के लिए, वो 3D फ्लावर्स भी चल रही हैं, और मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को पहने हुए भी देखा है। तो इस तरह की जो कपड़ों का जो बेस का कलर होता है ना उसमें 3D फ्लावर्स लगे होते हैं, और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। खैर बिलाखिर हम लोगों ने ना यहाँ पर वलीमा डे ड्रेस भी सेलेक्ट कर लिया था, और अभी हम आ गए थे ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि जब हम ड्रेस की सिलेक्शन कर लेते हैं ना तो सेकंड काम जो होता है वो ज्वेलरी की तरफ आना होता है। तो हम यहाँ पर अभी ज्वेलरी देख रहे थे, और अभी ज्वेलरी भी बहुत हसीन सी आई हुई है, पहले इस तरह की ज्वेलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी ज्वेलरी बहुत प्यारी है। इस तरह से मैं इंटरनेट पर भी देखती रहती हूँ ब्राइड्स आजकल इस तरह की ज्वेलरी वेयर कर रही हैं, और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी जो है ना इस तरह की अभी आई हुई है, चाहे आप रिसेप्शन डे के लिए लें या बारात डे के लिए लो। तो बहुत पहले ये था, 4-5 साल पहले ना ब्राइड्स जो हैं वो बिल्कुल लाइट ज्वेलरी रख रही थी और बिल्कुल सिंप्लिसिटी की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी ना फिर से बहुत हैवी ज्वेलरी चल गई है, और इस तरह की ज्वेलरी देखें जी अभी बहुत ज़्यादा इन है, और ऑल इन वन मार्केट में हमें इस तरह की ही ज्वेलरी देखने को मिली है। अभी से नहीं, जब से हम शॉपिंग के लिए निकले हैं ना, तो मैंने भी देखा है कि ज्वेलरी की कलेक्शन यही वाली आई हुई है मार्केट में, और ऐसी ज्वेलरी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी हम लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले जो ब्राइड्स की ज्वेलरी होती थी ना उससे ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी अब आई हुई है। तो यहाँ पर देखें जी, वलीमा और बारात डे के लिए जो है इन्होंने इस तरह के सेट बना कर रखे हुए होते हैं, आपकी चॉइस होती है, आप इनमें से अगर कोई पसंद करना चाहो तो कर सकते हो, इनमें कोई करेक्शन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। तो यहाँ पर देखें जी, बहुत प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी आई हुई है, और माला की भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं, और अगर पार्टी वेयर के
लिए अपने लिए लेना चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सिंपल सी ज्वेलरी भी रखी हुई है। तो यहाँ की ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी थी वो भी यहीं की थी और अभी तक जो है वो वैसी की वैसी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर भी हमने 2 से 4 शॉप पर विजिट किया था, क्योंकि कहीं पर किसी जो है ना हम लोग को इयररिंग्स ना समझ आए, कहीं किसी की माला ना समझ आए, तो ये हो रहा था हमारे साथ। और अभी यहाँ पर जो है ना हम इस शॉप पर विजिट किया था हमने, और अभी हम यहाँ पर ज्वेलरी देख रहे थे, तो कुछ पर्ल वगैरह का काम चल रहा था, जब तक मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ क्लचेस वगैरह की, और यहाँ पर जो है ना बाकी जो ज्वेलरी डिस्प्ले हुई हुई थी उसकी। तो वेडिंग शॉपिंग करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमारे जो है ना घर की पहली शादी तो नहीं है, लेकिन भाई की शादी जो है ना वो पहली है जिसमें हम अपनी भाभी के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ना चीज़ें लेने में मुझे तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में, लेकिन ना फर्स्ट टाइम जब हम इस तरह की शॉपिंग कर रहे थे ना, शादी वाली शॉपिंग, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमारे मामू वगैरह की जब शादी हुई थी ना, तो तब हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे और अम्मियों ने की होगी शॉपिंग, लेकिन अब जब हम अपने भाई की शॉपिंग कर रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जो है मेरा मामा के पास सो रही थी और मैं ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ें देख रही थी, हम लोगों ने जो ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली थी। अच्छा, ज़्यादा जो लोग फोकस करते हैं ना, वो बस एक शॉप से ले लेते हैं, जिस तरह से अगर हमने एक शॉप से बारात ड्रेस लिया तो वलीमा भी वहाँ से ले लिया हो, और जिस शॉप से हमने बारात की ज्वेलरी ली तो फिर रिसेप्शन की भी ले ली हो। तो यहाँ पर ड्रेस का हमारे साथ जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, हम लोगों को एक ड्रेस एक शॉप पर 2 ड्रेसेस समझ में नहीं आए थे, तो हमने दूसरी शॉप से ले लिया था, लेकिन जो ज्वेलरी थी ना वो एक ही शॉप से दोनों ले ली थी। अभी यहाँ पर चूड़ियों की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, जैसे शिमर चूड़ियाँ चलती थी वैसी नहीं है, मैट टाइप, जिस तरह से हुदा के ग्लासेस आ गए ना मैट, वैसे ही चूड़ियों की कलेक्शन भी आई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह की जो है ना नॉर्मल लड़कियाँ भी वेयर कर रही हैं, मैंने भी सोचा है कि मैं किसी एक फंक्शन के लिए इस तरह की मैट चूड़ियाँ लूँ। अभी जी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अब सैंडल्स की तरफ, जो हमारा फाइनली काम था, लेकिन यहाँ से हमने सैंडल्स नहीं ली थी जामा क्लॉथ से, क्योंकि सैंडल्स ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको अगर कंफर्ट ना हो तो फिर ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इसके लिए आए थे एट्रियम, सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी, ड्रेसेस ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह जो भी चीज़ें लेनी थी। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे एट्रियम, क्योंकि चप्पलों की जो शॉपिंग थी ना वो हमने यहाँ से करनी थी। ब्रांड्स के जो चप्पल होते हैं वो अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना 2-4 ऐसे शॉप हैं, मतलब स्टाइलो है, फर्स्ट स्टेप है, बोर्जान है, जहाँ पर आप जो है ना इस तरह के वेडिंग वेयर ले सकते हो। तो यहाँ की जो है सैंडल्स थोड़ी सी कंफर्टेबल भी रहती है, और ब्राइड के लिए सबसे मेन चीज़ जो ये है कि उसके सैंडल्स का कम्फर्टेबल होना, क्योंकि शूट वगैरह के लिए चलना पड़ता है, और मैं जो है ना अपनी शूट जो है सैंडल्स उतार कर करवा रही थी, क्योंकि जी मुझे ना बिल्कुल भी हील्स पहनने की आदत नहीं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं ना जो नॉर्मली भी अगर शादी वगैरह में जाती हैं किसी की, तो वो हील्स वेयर करती हैं, बट मैंने जब भी अपने लिए सैंडल्स ली है, सैंडल्स तो नहीं फ्लैट ली हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्लैट में भी आपको बहुत ज़्यादा फैंसी कलेक्शन मिलते हैं, तो मैं ना ज़्यादा प्रेफर करती थी फ्लैट पर। और जब भी मैं वेडिंग्स वगैरह पर भी जाया करती थी ना किसी की भी, तो मैं फ्लैट सैंडल्स ही पहना करती थी, बस हील्स ना हो। जिस तरह के आप देख सकते हो ऐसे भी मिलते हैं अच्छे वाले, लेकिन वो हील में ना हो फ्लैट हो, लेकिन शादी पर अपनी शादी पर तो फिर ब्राइड जो होती है वो तो हील ही पहनती है ना, कोई भी ब्राइड हो, फ्लैट पहनी हुई है स्लीपर पहनी भी अच्छी तो नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग जो है सिलेक्शन कर रहे थे, स्टाइलों पर देखा, स्टाइलों पर हम लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आया, बस हम लोगों ने यहाँ से ना कैजुअल वाले ले लिए थे जो हमने बरी के साथ लेने थे, उसकी शॉपिंग हमने नहीं की थी, और बाकी जो है वेडिंग वाले जो है हमने फर्स्ट स्टेप से ले लिए थे। अभी हम लोग जा रहे थे जी, देखें हम आए थे तकरीबन आफ्टरनून में, और हमें जो है शॉपिंग करते हुए तकरीबन यहाँ पर 9 बज चुके थे। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने लंच नहीं किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके आए थे, और हमने सोचा कि अपनी वेडिंग शॉपिंग कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद हम जाएँगे लंच कह लें, डिनर कह लें, जो भी है वो करेंगे, क्योंकि अब जो है शदीद वाली भूख लग गई थी। तो आम शॉपिंग हो गई है, अब हम यहाँ पर करेंगे डिनर। हाय मेरा, हाय हाय करो, हाय हाय हाय, हेलो हेलो करो, हेलो हाय। हम आए हैं यहाँ पर चिल्ले कबाब खाने के लिए, दोनों थक गई हैं, दोनों का फेस देखे। ये मेरी बेटी भी थक गई है बहुत ज़्यादा। हाय करो, हाय, सो गई थी मेरा, इसे साथ ही आएंगे ना गाइस, तो बस गाइस वही हो जाएंगे। हाय, फ्राइज खाना है मेरे को, मेरे को फ्राइज खाना है, क्या खाना है? मम्मी, मम्मी ये कौन है, ये कौन है बेबी, ये कौन है?
अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो है स्टार्टर में फ्राइज़ मंगवा दिए थे, क्योंकि मेरा भी हमारे साथ साथ घूम रही थी और सारा दिन जो है ना उसने बिस्किट और जूस पर गुजारा किया था, कुछ भी खाया नहीं था। जैसे मैं लंच और डिनर वगैरह करवाती हूँ मेरा को, तो यहाँ पर ना मैंने स्टार्टर में कहा था कि आप फ्राइज़ ला दें, मेरे यहाँ पर फ्राइज़ इंजॉय कर रही है। मेरा अपनी नींद भी पूरी करके उठ चुकी है, दो बार मेरा बीच में सो भी गई थी, और हमने जो अपने लिए खाना ऑर्डर किया था वो अभी आ चुका है। मम्मी और खाला तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि वेडिंग शॉपिंग जो होती है ना, इस तरह की वेडिंग शॉपिंग जिस तरह हमने बरी वाले जोड़े लिए थे, तो हम कभी जाते कभी दो चार लेते और फिर आ जाते थे, रेस्ट मिल जाता था। लेकिन आज जो शॉपिंग हमारा टास्क था ना वो कंप्लीट करना था, ड्रेस से लेकर ज्वेलरी सैंडल्स ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को कंप्लीट करना था। और फिर यहाँ पर जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डन कर ली थी और दोनों काफ़ी थक गई थी। मुझे तो मज़ा आता है शॉपिंग टाइम पर, मैं नहीं थकती बिल्कुल भी। अभी हम लोग यहाँ पर जो है ना खाना इन्जॉय कर रहे हैं, होपफुली आज की वीडियो को भी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। बाकी जो बरी वाले जोड़े हैं भाभी के और आज जो हम लोगों ने लिए हैं, जैसी ज्वेलरी ली है, जो सैंडल्स ली हैं, वो सारी आपको एक साथ आप देखने को मिलेंगी, क्योंकि बरी के जो भी जोड़े लिए थे वो भी अभी पेंडिंग्स पर है। और भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भाभी के लिए ली हैं, वो सब मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, तो वो वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चलिए जी, यहाँ पर कर देती हूँ अपने व्लॉग को एंड, अब मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें। मेरे व्यूज़ जो है वो ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? अगर व्यूज़ ड्रॉप होते ना फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स तो करते ही, आज भी करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।